सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कल की मैच जो हुई थी आरसीबी वर्सेस केकेआर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुई और जिसमें आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन बनाए, और जैसे कि मैंने बताया था कि स्टॉपी विकेट थी और मतलब शारजा की विकेट जो है वो अभी बहुत ही मतलब डिफरेंट रोल प्ले कर रही है, बहुत ही स्टॉपी हो रही है, बहुत ही रुक के बॉल आ रही है, तो इसलिए बहुत ही दिक्कत हो रही है बैट्समैन को बॉल को हिट करने के लिए। बट यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा एबी डिविलियर्स मिस्टर 360 की, जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है कि ऐसा लगा ही नहीं कि बैटिंग मुश्किल है इस पिच पे। और मतलब यही तो खासियत है ग्रेट प्लेयर्स की, विराट कोहली एबी डिविलियर्स की। बट आपको जैसे कि मालूम ही है, जब अगर आपने मैच देखी होगी कल की तो आपको भी मालूम पड़ता कि विराट कोहली पे मतलब बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी क्योंकि जल्दी विकेट गिर रहे थे और मतलब एरोन फिंच ने भी अच्छी पारी खेली बट स्लो इनिंग खेल रहे थे सब सारे। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा देवदूत पड़िकल की, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे थे और थोड़ा सा ट्रोल भी किया था, थोड़ी सी स्लेजिंग भी हुई थी पैट कमिंस के और उसके बीच में, बट अगली वाली बॉल सीधा दुगने पेस के साथ बाउंड्री लाइन पे चली गई है। यहाँ पे दाद देने की इस यंगस्टर की, हालांकि रन इतने नहीं बना पाए बट एक स्टार्ट चाहिए था, 23 गेंदों में 32 रन बना के उन्होंने दे दिया था। उसके साथ ही साथ एरोन फिंच ने थोड़ी सी स्लो शुरुआत की और 37 गेंदों में 47 रन बना लिए थे। और उसके बाद में विराट कोहली और मतलब एबी डिविलियर्स ने एक अच्छी पारी को संभाला, 49 गेंदों में सिर्फ 100 की पारी खेली और जिसमें एबी डिविलियर्स का काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। और ऐसा लगा ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि विकेट कुछ चौपी है और मतलब पहली वाली विकेट लग रही थी जब एबी डिविलियर्स बैटिंग कर रहे थे तब, बट जैसे कि कोहली ने भी इंटरव्यू पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मतलब वो कैसे हिट कर पा रहे थे पता नहीं, और मतलब यही खासियत है उनकी और मतलब उनके दम पे हम बहुत ही मैचेस जीत सकते, यही हमारी एक स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी साइड बन चुकी है अभी इस साल। और ऐसे भी हुआ है दोस्तों, क्योंकि युजवेंद्र चहल और सुंदर ने जो कल बॉलिंग की है, सुंदर बॉलिंग की है जिसके मैं कहूँगा, और इसके चलते हुए मतलब बहुत ही प्रेशर क्रिएट हुआ। उसके साथ ही साथ नवदीप सैनी ने टॉम बेंटन को जो बोल्ड किया है वो काफ़ी बेहतरीन गेंद थी, पेस से हिट हुए टॉम बेंटन। और मतलब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि टॉम बेंटन में दिख सकते हैं इस खेल में, बट यहाँ पे गलती क्या हुई दोस्तों कि शुभमन गिल को भी खिलाया और मतलब टॉम बेंटन को खिलाया और मतलब राहुल त्रिपाठी को फिनिश करना पड़ा, फिनिशर का रोल दे दिया गया उनको भी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों क्योंकि बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, और अगर ओपनिंग में इतने रन बना के भी अगर उनको चांस नहीं मिल रहा है ओपन करने के लिए तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है। और इसकी जो मतलब बेनिफिट है वो अगली वाली सामने टीम उठा रही है। तो ओवरऑल मतलब जो कल आरसीबी ने फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी की, जो रनआउट किया एबीडी ने, उड़ाना ने बहुत ही अच्छा थ्रो किया वहाँ पे, और इसके चलते शुभमन गिल भी चले पैविलियन। उसके बाद में सुंदर ने मॉर्गन की एक इम्पॉर्टेंट विकेट निकाली, युजवेंद्र चहल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, उसके साथ ही साथ सारे गेंदबाजों ने एक बेहतरीन रोल अदा किया है कल के मैच में, और एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस दे रही है अभी आरसीबी। और जैसे कि मैंने कहा भी था कि एक दो प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अगर जीतने मैचेस तो बिल्कुल भी सारे प्लेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट करने चाहिए, तो ऐसा ही हो रहा है और मतलब इसके चलते हुए उनको रिजल्ट अभी मिल रहे हैं, और इसके चलते हुए ही मतलब तीसरे नंबर पे पहुंच चुकी है आरसीबी की टीम। तो हाई होप्स फॉर दिस ईयर। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ जिसका नाम है स्पोर्टोलिक बेचर। जैसे कि आपको सबको मालूम है मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियोस आपके सामने रहता है जिसमें टीम एनालिसिस होते हैं, उसके साथ ही साथ रिव्यूज होते हैं मैच के, उसके साथ ही साथ जो क्रिकेटर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है वो आपके साथ वो भी आपके साथ शेयर किया है और आगे भी करते रहूंगा। मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज लाइंड अप है मेरे, तो धीरे धीरे करके वो पोस्ट करता रहूंगा। तो ये एक मेरा मोटिव है कि मेरा कुछ नहीं हो पाया क्रिकेट में, मुझे इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं मिली, बट आपको कुछ ना कुछ हो जाए, आपको बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मिले यहाँ से। तो जो कि मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियोज आपके सामने रहता रहा इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बिना टाइम के शुरू करते हैं और देखते हैं आज की मैच जो होने वाली है, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान सनराइजर हैदराबाद के बीच में मुकाबला ये होने वाला है, उसकी टीम एनालिसिस कर लेते हैं। और मतलब यहाँ पे सीएसके थोड़ी सी अभी खराब परफॉर्मेंस दे रही है, तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे दोनों टीमों का और यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट करूंगा मेरी प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले तो सनराइजर्स हैदराबाद इस टीम की, तो थोड़ा सा बैड लक था मतलब पिछले वाले मैच में, और इसके साथ ही साथ राहुल टेवटिया ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और फिर से एक बार हीरो बने थे और मतलब असली तेवर दिखाना स्टार्ट किया है राहुल टेवटिया ने। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो मतलब मैं कहूँगा सनराइजर्स हैदराबाद को हो रहा है। उसके साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार जो है वो इंजोर है, तो इसके चलते है बहुत ही उनके गेंदबाजी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है।
और मतलब जो फिनिशर, जो एक अच्छी गेंदबाजी उनके पास मौजूद है, मतलब जैसे कि आपने देखा था कि राशिद खान है, उसके साथ ही साथ नटराजन बहुत ही अच्छे यॉर्कर डालने में सफल होते हैं, उसके साथ ही साथ खलील अहमद भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट जो इम्पैक्टफुल जो परफॉर्मेंस देने की कोशिश रहती है कि मतलब स्विंग हो रहा है बॉल, ये जो कैपेबिलिटीज होती है वो दिख नहीं रही है हमें, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार इज नॉट प्रेजेंट येट, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो उनकी टीम बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर है बट वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। बट अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स में वॉटसन के ऊपर बहुत ही टीम डिपेंड कर रही है, वॉटसन और फाफ ड्यू प्लेसिस के ऊपर बहुत ही एक टीम डिपेंडेंट है, और अगर वो नहीं खेलते तो बिल्कुल भी नीचे कुछ लोग कर नहीं पा रहे, जैसे कि हमने देखा था कि केदार यादव मतलब बहुत ही उनको चांस मिले थे, बट होता है कि हर एक प्लेयर का एक बैड थोड़ा सा परफॉर्मेंस रहता है, बैड फेज होता है, तो कुछ खास कर नहीं पाए थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मतलब पिछले साल केदार यादव ने बहुत ही सिंगल हैंडेडली जो फिनिश किए थे इनिंग्स, उसके चलते हुए बहुत ही मैचेस जीते थे CSK ने। बट अब अगर अभी इस साल की बात की जाए तो अभी उन्होंने एक नए प्लेयर को खिलवाया है, बट काफी यंगस्टर है तो इसके चलते एक एक्सपीरियंस है उनके पास, बट मैं कहूंगा कि फील्डिंग में थोड़ी सी उनको परेशानी हो रही है, जैसे हमने देखा था कि मतलब पिछले मैच में वॉटसन पहुंच ही नहीं पाए थे, थोड़ा सा फिटनेस का तो रोल होगा ही, क्योंकि बट आई वी शुड रिस्पेक्ट कि मतलब इस एज पे आके वहाँ पे खेल रहे और मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे। बट अगर CSK को ये मैच जीतना होगा तो मतलब मुझे लगता है कि धोनी को थोड़ा सा और ऊपर आना होगा, मतलब 1 डाउन या फिर 2 डाउन आना होगा, फिर मतलब उनके मतलब बाद में जडेजा और ब्रावो है ही, तो इतना कुछ परेशानी है नहीं, बट धोनी को खुद को टाइम देना होगा बैटिंग करने के लिए, और अगर वो 10 ओवर के बीच में आते हैं 1 डाउन या फिर 2 डाउन तो बहुत ही फायदा हो सकता है इसका। और व्हाट आई फील इज कि मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को बिल्कुल भी और एक चांस मिलना चाहिए, पहले तो रन आउट हुए थे, फिर दूसरे मैच में उनका मौका नहीं मिला था, तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को खेलना चाहिए, फिर 1 डाउन वो आते, फिर 2 डाउन धोनी आते, फिर 3 डाउन पूरी जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी जान आ जाएगी मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 थोड़ी सी सेम ही रहेगी दोनों टीमों को लेके, बट एक चेंज मैं देखना चाहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को इंक्लूड करना चाहूंगा मैं इस स्क्वाड में, बाकी पूरी स्क्वाड वही रहेगी, और मेरे हिसाब से इमरान ताहिर को एक मौका देना चाहिए, और उसके जगह पे या तो इमरान ताहिर या फिर जॉश हेजलवुड, क्योंकि और उसके अलावा भी सेंटर भी मौजूद है, तो मुझे लगता है कि उनको तीनों में से कोई एक को चांस बिल्कुल देना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मतलब इमरान ताहिर की नए अभी इस साल है तो उनका परफॉर्मेंस मालूम नहीं है, बहुत ही परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देता है, तो उनको बाहर बिठाना एक थोड़ी सी गलती है मेरे हिसाब से, तो देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में। 1-2 चेंज मुझे लगता है कि CSK करेगी, सनराइजर्स हैदराबाद इतनी कुछ चेंज नहीं करने वाली मेरे हिसाब से, तो देखते हैं कि क्या होता है, बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है ये भी, और मतलब CSK को हर हाल में हर एक मुकाबला जीतना होगा, अभी तब कुछ हो सकता है, मतलब तब क्वालिफाई कर सकती है CSK, तो देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा चैनल पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके सामने रहता रहा उसके लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने रहता रहूँ तब, और तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ, बाय बाय।